ऑफ वर्ल्ड बैंक ऑन कॉरपोरेट गवर्नेंस। वर्ल्ड बैंक क्या बोलती है कॉरपोरेट गवर्नेंस के बारे में, हम ये पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। अब ये एक रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट बनाया कॉरपोरेट गवर्नेंस के ऊपर कि कॉरपोरेट गवर्नेंस की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। उन्होंने रिकॉग्नाइज की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कहाँ कहाँ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस में, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, और वो प्रॉब्लम से रिलेटेड उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई। और वो रिपोर्ट में उन्होंने कुछ सजेशंस दिए हैं, कुछ मेजर फोकस है कुछ डायरेक्शन में, वो उन्होंने इलेबरेट किए। जैसे कि उन्होंने बोला है, देखो ये कॉरपोरेट गवर्नेंस के ऊपर जो वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, ये बेसिकली चार पिलर पे स्टैंड है। दैट इज ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ओवरऑल जो सिस्टम है वर्किंग सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कंपनी का। अकाउंटेबिलिटी, जिसको अपन बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबल कंपनी अकाउंटेबल होनी चाहिए अपने शेयर होल्डर, सॉरी शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर की तरफ। फेयर होना चाहिए, जो भी फंक्शंस है जो भी ट्रांजेक्शन्स है वो फेयर होना चाहिए, और रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए कंपनी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी जो स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स या अदर स्टेक होल्डर्स के लिए है, वो उस डायरेक्शन में वो रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। अब इसका अप्रोच बॉटम अप अप्रोच है, दैट मीन्स लोअर लेवल से टॉप डाउन लेवल तक। अब पढ़ते हैं अपन इसके बारे में क्या है, ये रिपोर्ट में क्या क्या इंक्लूड है। ये रिपोर्ट में मेजर डिसीजंस में उन्होंने मेजर फैक्टर्स कवर किए हैं, क्या क्या उनको जहाँ कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो सकती है ऐसे ऐसे जगह पे उन्होंने सजेशन दिए। जैसे पहला 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 पॉइंट उन्होंने बोला है, पहला फोकस उनका ये कि रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मैंने पहले वीडियो में भी बोला है, अर्लियर क्लासेस में भी बोला है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो अकाउंटेबल होते हैं टूवर्ड्स मैनेजमेंट एज वेल एज टूवर्ड्स ओनर्स टूवर्ड शेयर होल्डर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करती है मैनेजमेंट के लिए, सीनियर मैनेजमेंट के लिए, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये इंश्योर करना चाहिए कि वो पॉलिसी सच में बराबर इम्प्लीमेंट हो रही या नहीं है। उससे कंपनी के जो क्वालिटी कॉन्सेप्ट है या कॉरपोरेट गवर्नेंस में जो कॉरपोरेट गवर्नेंस का जो अचीवमेंट है, एम्स है, ऑब्जेक्टिव है, वो अचीव हो रहा है या नहीं, तो वो क्वालिटी कॉन्सेप्ट सुपरवाइज करना, इम्प्लीमेंट करना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इम्पोर्टेंट रोल होता है। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो पॉलिसी फॉर्मुलेट की है मैनेजमेंट के लिए, वो पॉलिसी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होनी चाहिए और उसके रिजल्ट प्रॉपरली एनालाइज होना चाहिए। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की या बोर्ड्स की अथॉरिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए कॉरपोरेट गवर्नेंस में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या करना है, बोर्ड को क्या क्या करना है, किस किस सिस्टम में वर्क करना है, ये सभी चीजें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस में इंक्लूड होनी चाहिए। उनकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी अथॉरिटीज क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। फर्दर इट इज क्लियर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग हायरार्की। अब हायरार्कीकल स्ट्रक्चर क्या, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम है मैनेजमेंट को रिक्रूट करना और मैनेजमेंट का काम है लोअर लेवल एम्प्लॉय रिक्रूट करना। मतलब हायरार्कीकल स्ट्रक्चर भी सेटअप करके देते हैं। हायरार्कीकल स्ट्रक्चर मतलब क्या है, डायरेक्टर डायरेक्टर के नीचे वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के नीचे वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के नीचे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के नीचे मैनेजर, मैनेजर के नीचे असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर के नीचे सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के नीचे वर्कर्स। तो ये जो हायरार्कीकल स्ट्रक्चर होता है वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, अलग अलग हो सकता है। ये हायरार्कीकल स्ट्रक्चर डिफाइन करना ये भी बोर्ड
डायरेक्टर्स का या बोर्ड का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव टू मीट रेगुलरली, इंटरैक्ट सीनियर मैनेजमेंट, एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन, मॉनिटर कॉरपोरेट प्रोग्रेस टूवर्ड्स कॉरपोरेट ऑब्जेक्टिव। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इसके अलावा और कौन से कौन से, वो एनुअल जनरल मीटिंग रेगुलरली अरेंज करे एज वेल एज वो अटेंड भी करे, सीनियर मैनेजर से टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करते करते रहे, इंटरेक्ट होते रहे, कोई इश्यूज है वो डिस्कस करते रहे, सॉल्व करते रहे, और प्रोग्रेस, कंपनी का प्रोग्रेस वो जो है वो भी मॉनिटर करते रहे, वो ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। तो वर्ल्ड बैंक ने ये सजेस्ट किया है सबसे पहले इसमें कि रोल्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रोल्स क्या रहेंगे, बोर्ड के रोल क्या रहेंगे, और एक सजेशन दिया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने या बोर्ड ने क्या क्या करना चाहिए। बोर्ड ने रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनानी चाहिए, बोर्ड ने एक ऑडिट कमेटी बनानी चाहिए, बोर्ड ने कॉम्पनसेशन कमेटी बनानी चाहिए, बोर्ड में नॉमिनेशन कमेटी बनानी चाहिए। इस तरीके की कमेटीज बोर्ड ने कंस्टिट्यूट करनी चाहिए कंपनी के लिए, कंपनी के ओवरऑल डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए। ये हो गया रोल्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब आगे बढ़ते हैं, सीनियर मैनेजमेंट के क्या रोल है। वर्ल्ड बैंक ने यह भी बोला है कॉम्प्लेक्सिटी जो फाइंड आउट किया है, कहाँ कहाँ कॉम्प्लेक्सिटी अराइज हो सकती है, कहाँ कहाँ कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, वैसा पहला एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज या रोल्स। सेकेंड है रोल ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। अब रोल ऑफ सीनियर मैनेजमेंट मतलब क्या, मैनेजमेंट का रोल क्या रहेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो पॉलिसी बना के दी वो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना और उस पॉलिसी को सक्सेसफुली रन करना, और उससे जो आउटकम मिलता है वो टाइम टू टाइम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कम्युनिकेट करना, रिपोर्ट करना। दीज आर द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स वर्ल्ड बैंक ने आइडेंटिफाई किया, जैसे सीनियर मैनेजमेंट इज ए की कंपोनेंट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मैंने बोला है कि सीनियर मैनेजमेंट ही ओवरऑल डे टू डे वर्किंग सिस्टम देखता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं देखते। तो डे टू डे वर्किंग सिस्टम के लिए कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल रहता है। सीनियर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए, की मैनेजमेंट डिसीजन शुड बी टेकन मोर देन वन पर्सन। अब जो भी मैनेजमेंट के डिसीजंस है कंपनी के, वो सिंगल पर्सन नहीं लेगा, नहीं तो कंट्रोल ऑटोक्रेटिक हो जाएगा। यहाँ डेमोक्रेटिक कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल मोर देन वन पर्सन ने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट्स करना चाहिए। डिसीजन शुड बी टेकन बाय इन्वॉल्विंग रिस्पॉन्सिबल पर्सन। रिस्पॉन्सिबल पर्सन मतलब ये भी हो सकता है कि मैनेजमेंट के अलावा डायरेक्टर्स को भी बुलाए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, या फिर लोअर लेवल एम्प्लॉयज को भी बुलाए, या रिस्पॉन्सिबल पर्सन जिसको कंपनी समझती है उनको भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करें। अब दिस इज ऑल अबाउट रोल ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। अब थर्ड कॉन्सेप्ट या थर्ड रोल वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन किया है, रोल ऑफ ऑडिटर्स। अब ऑडिटर का रोल क्या है, ऑडिटर का रोल क्या है, ऑडिट करना। अब किसी भी कंपनी में नंबर ऑफ टाइप्स के ऑडिट हो सकते हैं, फाइनेंशियल ऑडिट सबको पता है, एचआर ऑडिट भी हो सकता है, अदर ऑडिट वर्किंग सिस्टम के नंबर ऑफ ऑडिट पैटर्न्स रह सकते हैं, नंबर ऑफ ऑडिट मैकेनिज्म रह सकते हैं। ऑडिट मैकेनिज्म क्यों होता, कि एग्जिस्टिंग जो काम चल रहा है उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स है वो ऑडिट मैकेनिज्म में फाइंड आउट होते हैं, फिर ऑडिटर्स बोर्ड को या मैनेजमेंट को लिखता है, बताता है कि नहीं यहाँ यहाँ प्रॉब्लम्स है, यहाँ यहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ये अच्छे कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए जो जो डेफिशिएंसीज फाइंड आउट होती है कंपनी के वर्किंग फंक्शंस में वो फंक्शंस को करेक्ट करना अच्छी तरीके से और अच्छे से इम्प्लीमेंट करने का काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का और मैनेजर का होता है, और वो जो करेक्शन है वो सजेस्ट करने का काम किसका होता है, ऑडिटर।
तो ऑडिटर्स क्या करेंगे, ऑडिटर अच्छे से हर एक चीज का, जैसे फाइनेंशियल ऑडिट का एग्जांपल लेते हैं, तो ऑडिट अच्छे से करके, ऑडिट इफेक्टिव एंड इफिशियंट ऑडिट्स मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करें, और जहाँ करेक्शंस है वो मैनेजमेंट को और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताएं। जैसे एक एक पढ़ते हैं, ऑडिटर प्ले वाइटल इम्पोर्टेंट रोल इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ऐसा वर्ल्ड बैंक बोलती है कि ऑडिटर का एक मेजर इम्पोर्टेंट रोल होता है, रिकॉग्नाइजिंग रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसेस एंड कम्युनिकेटिंग दिस इम्पोर्टेंस टू द बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट। मैंने बोला है जो भी ऑडिट होता है, ऑडिट में कुछ डेफिशिएंसीज मिलती है, वो डेफिशिएंसीज मिलने के बाद उसके करेक्शंस के लिए, जो करेक्शंस के लिए सजेस्ट करना बोर्ड को और मैनेजमेंट को, ये ऑडिटर का काम है। ऑडिट प्रोसेस रीइंफोर्स ट्रांसपेरेंसी विच रिजल्ट साउंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब ऑडिट प्रोसेस भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ऐसा वर्ल्ड बैंक बोलती है। उसमें भी कुछ ऐसा कुछ हाइड एंड सिक ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उस ऑडिटर्स का मेन रोल होता है, और ऑडिटर्स ऑडिटिंग में भी, ऑडिटर्स ने और ऑडिटिंग मैकेनिज्म में, ऑडिटिंग ऑडिटिंग प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। दीज आर ऑल सजेशंस सजेस्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो वर्ल्ड बैंक बोलती है कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए, प्रॉब्लम्स कम करने के लिए, अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस बनाने के लिए तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है, फर्स्ट इज रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सेकंड इज रोल ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, थर्ड इज रोल ऑफ ऑडिटर्स। शॉर्ट में मैंने एक डायग्राम बनाई है, बोर्ड का रोल क्या है, सीनियर मैनेजमेंट का रोल क्या है, ऑडिटर्स का रोल क्या है, जो अपन ने पहले पढ़ा है वो क्लियरली यहाँ डिफाइन किया है इन सिंगल सेंटेंस। दिस इज ऑल अबाउट द व्यू ऑफ वर्ल्ड बैंक ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, द मेजर्स एंड द सजेशंस सजेस्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक फॉर इफेक्टिव एंड इफिशियंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस। थैंक यू।